अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी से हूँ ईद का तीसरा दिन काबला गया थोड़ा लेट सा हो गया था कबाबा वगैरह डालने के बाद तीसरे दिन यही काम होते हैं सुखाना धूप में निकालना और कट करना इसी तरह से सारे काम होते हैं कबाबों को अच्छी तरह से उस दिन मैंने सुखा लिया था दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं गांव क्योंकि तीसरे दिन मैं गांव पे मेरे घर पे आने वाली थी क्योंकि तीन दिन ईद के हो गए थे अलहमदिल्ला घर आने वाली हूँ आप देख सकते हो मैं मेरे मैके गाँव का ये एंट्रेंस है यहाँ से निकल कर मैं सीधा मेरे गांव पे जाऊँगी जाते जाते ही मैं टाइम साढ़े चार तक हो चुका था भाई को भी कड़पे में भाई को भी गांव में थोड़ा सा काम था इधर तो इसीलिए थोड़ा देर सा देर से निकले थे भाई के काम की वजह से आप देख सकते हो मेरे गांव की हिल स्टेशन कितनी अच्छी सी हरी भरी है अभी थोड़ी बीच में थोड़ी एक दो बारिश गिरे थे तो इसकी वजह से थोड़ा हरा भरा हुआ था गर्मी में थोड़ा सा सूख चुका था जाते जाते बातें करते करते हम तो निकल पड़े थे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी ट्रैफिक थी बहुत आसानी से भी रास्ता हमारा गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी ट्रैफिक होती है और बातें वगैरह करते हम निकल चुके थे तीसरे दिन भी बहुत सारे काम थे गोश्त पैक करना है मुझे भी लाना था इस तरह से हम कार में बैठ चुके थे आप देख सकते हो बचपन की चीज़ें कार में भाई लेके आए थे ये खारे वाले बटाने जो कहते हैं वो वो खाए थे हम इमली की कुछ इमली की चीज़ें थी वो खाई थी बाटल पानी का लिया था और छाछ की बाटल ली थी उसे पीते खाते अलहमदिल्ला हम निकले थे क्योंकि हमने थोड़ा लेट से दोपहर का खाना खाया तो इसलिए हम कोई भी चीज़ें लेने नहीं दिए बस कुछ भी नहीं चाहिए अलहमदुल्लब मेरे गाँव आ चुके हैं आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा मेरा गाँव हो चुका है अब बो अब ये देख सकते हो मेरे गांव की कलेक्टर ऑफिस है ये यह। यहाँ तक हम भाई का काम था तो इसलिए हम इधर निकल पड़े दूसरी साइड मेरा घर था अभी भाई का काम वगैरह देखने के बाद हम घर पे आएंगे इन इसलिए हम जाने लगे थे भाई के साथ क्योंकि अभी टाइम बहुत हो चुका था भाई अभी घर पर नहीं छोड़ूंगा सबसे पहले मैं आप लोगों को नहीं छोडूंगा मेरा काम देखने के बाद आप लोगों को छोड़ूंगा मैं इसलिए हम लोग थोड़ा काम देखकर कर आए थे आप देख सकते हैं दूध के पैकेट्स मैं घर पे आते ही मेरे घर के काम रूटीन पे मैं लग चुके थे मेरे हस्बैंड दूध लेकर आ चुके थे क्योंकि थोड़ा सा मीठा दावत थी मेरे घर में ईद हो तो इसी तरह से चलते हैं घर में हर किसी के घर में इसी तरह से होते ही मेरे घर में दावत थी तो मैंने दूध इसलिए मंगाया था कि चावल की खीर बना लें और मटन का पुलाव बना लें इस तरह से कुछ चल रहा था आप देख सकते हो मैं प्रेजर कुकर में भी गोश्त डाल चुकी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर गोश्त को अच्छे से प्रेजर देकर मैं इसको गला लूँगी गला लेने के बाद में बाकी के तमाम जो भी प्रिपरेशन होगा वो कर लूँगी मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं किया है बस इसी तरह से किया है एक तरफ गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूंगी दूसरी तरफ मैंने चाय रख ली है क्योंकि चाय की बहुत तलाब हो रही थी तो चाय रख ली है चाय पीने के बाद मैं बाकी के सारे काम करूंगी अभी मैं प्रेजर दूंगी और गोश्त गल जाएगा मेरे चाय बनकर रेडी हो चुकी थी मैं दूसरी साइड चाय पीती पीती भी औरतों को बहुत सारे काम होते हैं एक तरह एक तरफ देखें तो दूसरी तरफ का काम होता है चाय भी सुकून से पीने को नहीं होता है क्योंकि जिम्मेदारी औरतों की होती है घर की इसलिए चार तरफ हाथ चलाना पड़ता है चारों तरफ दिमाग चलाना पड़ता है इस तरह से मैंने चावल के खीर के लिए मैंने चावलों को धोकर थोड़ा एक आधा घंटा भीगने रख लिया था उसको थोड़ा फैन के नीचे में इसे हवा लगने के लिए मैं डाल दूंगी ये काम करने के बाद मैं चाय बैठकर सुकून से पीऊँगी क्योंकि औरतों के इसी तरह से होते हैं काम चार तरफ देखने के वगैरह से होते हैं क्या करें औरतों की ज़िम्मेदारी ऐसी होती है अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाएगा तो अगर ज़िम्मेदार कहला जाएगा और घर पे गए तो हमको इज़्ज़त नहीं मिली इसी तरह के होते हैं औरतों की ज़िम्मेदारी आप देख सकते हो मैं चाय वगैरह पी ली चावल थोड़ा मैं फैन गई सुखा कर उसको दरदरा सा ग्रैंड करके और मैं इसको पकने के लिए चढ़ा दी है मैंने दो लीटर दूध तकरीबन इसमें डाल लिया खीर भी एक साइड पकने लगी है और बिरयानी का भी एक तरफ से प्याज फ्राई हो रही है अब मैं दूसरी साइड में तीन तीन जगह मेरे हाथ चला रही हूँ मैं अब मैं चिकन पकौड़े के लिए चिकन को भी मिक्स करने लगी हूँ क्योंकि अभी दो खाने का टाइम नहीं हुआ था तो अभी बाकी था तो मैं इसलिए इसे काम चिकन पकोड़े के करने लगी हूँ उसको आधा घंटे के लिए मैगनेट कर लूँगी ये सब करने के बाद खाना वगैरह हमारा हो चुका था खाना वगैरह खाने के बाद गोशों से बहुत तंग आ चुकी थी मैंने थोड़े से स्नैक्स बना लिए थे आलू की भजिया और आलू के पकोड़े इस तरह से बनाकर हमने चाय चाय पी और चाय के साथ इंजॉय किया फिर उसके बाद फिर आ गई कबाबों की बारी अब फिर देख सकते हो तीसरे दिन भी हम लोग खबाब सुखा कर थोड़े छोटे 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 पीसेस करके इसको फिर एक दो दिन इसको धूप में सुखा लेंगे सुखाने के बाद बाद में बॉक्स में भर कर रख लेंगे एयटेड बॉक्स में ये मेरे हस्बैंड कट करने लगे थे तो मैं थोड़ा हल्का सा मैंने शूट कर लिया आप देख सकते हो यहीं तक था मेरा आज का विलाग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए अल्लाह हाफिज़